खास बात यही है कि हमें ट्रैवल करना अच्छा लगता है, हम अपने काम की वजह से कितना ट्रैवल करते हैं। तो जब जितेश ने मुझसे कहा कि ये एक अवार्ड फंक्शन है जहाँ पे ये लोग ट्रैवल डेस्टिनेशंस को अवार्ड दे रहे हैं, आई सेड आई मस्ट डेफिनेटली कम और इनकरेज करना चाहिए। इट्स रियली नाइस टू बी हियर एंड फाइंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ट्रैवल, एंड ट्रैवल इज समथिंग दैट आई रियली एंजॉय, सो इट वाज वेरी नाइस टू मीट एवरीबॉडी। बहुत ही डिग्निफाइड एक इवेंट था ये, सिर्फ नहीं यू नो इम्पॉर्टेंट है कि बॉलीवुड अगर फंक्शंस थ्रो करे या अवार्ड फंक्शंस हो वहीं पे हम मौजूद हो, बल्कि हमसे ज़्यादा और ट्रैवल करता कौन है। मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है, एज अ चाइल्ड ऑल्सो आई हैव ऑलवेज बीन थ्रू यू नो माय फादर्स बीन ऑन अ ट्रांसफरेबल जॉब, सो आई हैव ओनली ट्रैवल्ड ऑल ओवर द कंट्री एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ क्रिएटेड अ पैशन इन मी। आई लव टू ट्रैवल एंड आई थिंक आई लाइक टू मेक माय मनी सो आई कैन गो एंड ट्रैवल। बिकॉज ये अवार्ड बहुत ही प्रेस्टिजियस हैं, तो ये अवार्ड करता है उन डेस्टिनेशंस को, उन होटल्स को, उन स्पॉट्स को जो देश भर लोग लाइक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बुलाते हैं। एंड आई थिंक सो आई एम हैप्पी दैट आई हैव कम हियर, और मैंने ऑफ कोर्स आई वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू गिव सम वेरी इंटरेस्टिंग अवार्ड्स टुनाइट, एंड ऑफ कोर्स एनीथिंग फॉर द टाइम्स ग्रुप, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव टू अस एंड वी हैव रिटर्न दैट बैक। मैं लंदन जाना पसंद करती हूँ, स्विट्जरलैंड जाना पसंद करती हूँ, मालदीव जाना पसंद करती हूँ, तो ऐसी सब डेस्टिनेशंस है जहाँ आप रिलैक्स भी कर सकते हो और इंजॉय भी कर सकते हो। इंडिया के अंदर की बात करें तो डेफिनेटली मैं दिल्ली बार बार जाना पसंद करती हूँ क्योंकि मैं वहाँ की हूँ एंड माय पेरेंट्स आर देयर, और अगर आप बाहर की बात करें तो डेफिनेटली बी न्यूयॉर्क। मेरा सबसे अच्छा और फेवरेट डेस्टिनेशन शायद न्यूयॉर्क है। इंडिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो प्राचीन काल में हैं और वर्तमान काल में हैं और भविष्य काल में भी हैं, वो आपको सिर्फ भारत में मिलता है। मैं ये कहूँगा कि इंडिया की जो वैरायटी है, यहाँ पर आपको पहाड़ बर्फ भी मिलेगा, यहाँ आपको बीचेस भी मिलेंगे, फार्म्स भी मिलेंगे, जो इंडिया की वैरायटी वो शायद बहुत कम मुल्कों में है, और मैं कहूँगा कि इंडिया इज प्रोबेबली शुड बी द वर्ल्ड्स नंबर वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन। नाउ देयर आर कपल ऑफ देम, इट डिपेंड्स एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मूड। Nowadays, my favorite destination, I have no choice but to make it the one that my son wants. So that's the favorite one, whichever one he wants now.